आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फुल डाइट शेयर करने वाली हूँ, जिनके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, बायोटिन, आयरन, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स हैं, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करते हैं, बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल सा भृंगराज शैम्पू भी शेयर करूंगी, जो आपके बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूं। अगर आपने पहली बार मेरी शक्ल देखी है, नए हैं आप मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो रेमेडीज़ अच्छी लगती है ना, तो लाइक ज़रूर किया करिए। आपके लाइक का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बिना लाइक के चले जाते हैं, तो प्लीज़ इतनी मेहनत करती हूँ मैं, तो आपका एक लाइक तो डिजर्व करती हूँ ना, तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही अच्छा सा भृंगराज शैम्पू शेयर करूंगी, उसके बाद जो डाइट होगी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अदरवाइज आपने सारी वीडियो मिस कर दी। क्योंकि बहुत सारे लोग डाइट पे ध्यान नहीं रखते, उनका हेयर लॉस भी नहीं रुकता है, ना ही उनके बाल रिग्रो करते हैं, इसीलिए अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। तो ये भृंगराज शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जटामांसी लिया। जटामांसी टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप भृंगराज के साथ जटामांसी यूज़ करते हैं तो आपके बाल 100% रिग्रो करते हैं, काले रहते हैं लंबे समय तक। तो मैंने जटामांसी ले ली। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड भी हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल का होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी हिस्टामाइंस पाई जाती हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अब इसमें जो अगले इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है आंवला। आंवला आपके बालों को काला बनाए रखने में भी हेल्प करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। तो ये भी आपके बालों को हेल्दी बनाने में, लंबा घना मजबूत बनाने में बहुत काम का होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको इसमें यूज़ करना है ये है भृंगराज। ड्राई भृंगराज का यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो फ्रेश भृंगराज ले सकते हैं, या फिर भृंगराज पाउडर जो कि ईजिली हर जगह मिल जाता है उसका यूज़ कर सकते हैं आप। सारी चीज़ों का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दिया है, वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं इन सारी चीज़ों को। भृंगराज बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है, जो आपके बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करने में बहुत कमाल का होता है। अब जो अगला चीज़ आपको इसमें ऐड करना है ये है मेथी। मेथी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जो मेथी है ना, यही हमारे शैम्पू को टेक्सचर देने वाला है। उसके साथ साथ इसके अंदर लेसिथिन खूब सारा होता है, जो हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने में, स्प्लिट एंड को ख़त्म करने में और हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। अब इसमें आपको शिकाकाई डालना है। देखिए, शिकाकाई बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएटर की तरह, क्लींजर की तरह काम करता है, जो हमारे स्कैल्प में किसी भी तरीके के जो बिल्डअप होते हैं, जैसे सीबम का हो गया या फिर धूल मिट्टी का हो गया, डेड स्किन सेल्स का हो गया, तो उन सबको ख़त्म करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ वगैरह या फिर बिल्डअप की शिकायत रहती है तो वो ख़त्म हो जाएगी शिकाकाई का यूज़ करने से। अब इसमें आपको रीठा डालना है। अब इन रीठा और शिकाकाई की जो क्वांटिटी है वो उस पर डिपेंड करती है कि आप कितना हैवी हेयर ऑयलिंग करना चाहते हैं। बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग आपने करके रखी हुई है तो कम से कम 30 आप रीठा ले लीजिए खड़ा, और एक मुट्ठी शिकाकाई, तो आपके बाल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अब मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है, आप देख सकते हैं भाप भी निकल रही है इसमें से। अब क्या करना है, इसे ढकना है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। रात भर में ये अच्छे से फूल जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए, इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, देख के ही लग रहा है कि अब ये हमारा जो इंग्रेडिएंट है अच्छे से फूल गया है। तो अब इनके अंदर का जो एसेंस है ना, बहुत आराम से निकल जाएगा और आपके बालों को ये पूरा का पूरा फ़ायदा पहुंचाएगा। मतलब जो भी फ़ायदेमंद चीज़ें इनके अंदर हैं वो सारी आपके बालों को मिलेंगी। अब क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेना है, और फिर उसे अच्छे से मस्टिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन भी कर लेना है। अगर आप बिना स्ट्रेन के इसे अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों में इतने सारे चंक्स, पार्टिकल्स, रेजिड्यू फंसेंगे जो निकलने का नाम नहीं लेंगे। फिर आपके बाल जैसे जैसे सूखेंगे वैसे वैसे वो सारी चीज़ें आपके बालों से झड़ती जाएंगी, फिर पूरा घर आपका गंदा होगा। इसलिए अच्छा है कि मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। ठीक है, अभी आप देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा शैम्पू बनके तैयार हो गया है। ये देख रहे हैं कितना झाग है, कितना थिक झाग है इसमें। अब क्या करना है कि अपने ऑयल्ड हेयर में, आप देखिए मैंने कितना ऑयलिंग की हुई है अपने, मेरे स्कैल्प में, मेरे बालों में बहुत ऑयल दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये सारा ऑयल निकल जाता है। मैंने बताया ना कि अगर आप हैवी हेयर ऑयलिंग करते हैं तो रीठा की क्वांटिटी और शिकाकाई की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और इसे लगा के कम से कम 3 घंटे तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा।
तब आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि बस ऐसे ही लगाऊं और तुरंत वॉश कर दूं जैसे आप मार्केट वाला शैम्पू लगाते हैं, तो ये क्लीन नहीं होने वाला। कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मैं सिर्फ जो नेचुरल शैम्पू घर पे मैं बनाती हूँ उन्हीं को लगाती हूँ, मेरे बालों में कोई शिकायत नहीं होती। आप देखिए बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं और बालों में चमक भी आप देख सकते हैं, और आपको मेरे बाल इंटेंस ब्लैक भी लग रहे होंगे, क्योंकि ये जो नेचुरल शैम्पू है आपके बालों को धीरे धीरे करके ब्लैक बनाने का काम करता है। अब हम लोग देखेंगे अपनी डाइट को का ख्याल कैसे रखना है। देखिए हमारी डाइट में ना लंच जो है वो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट तो स्किप कर देते हैं लेकिन लंच सब लोग खाता ही है, तो लंच हमारा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में सबसे पहले मैं लंच ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट शेयर करूँगी, ठीक है। तो इस लंच को बनाने के लिए आपको दो तरीके की दालें लेनी है, पहला है चने की दाल, दूसरा है उड़द की दाल। चने की दाल और उड़द की दाल में सफिशियंट प्रोटीन, बायोटिन, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं, उसके साथ साथ हमारे बालों को काला बना के रखते हैं, हेयर लॉस भी स्टॉप करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली अरहर की दाल ही खाते हैं। देखिए अरहर की दाल बहुत अच्छी होती है, खाना भी चाहिए, मैं भी खाती हूँ, लेकिन मैं अपनी दालों को भी चेंज करती हूँ। कभी मैं प्लेन अरहर की दाल बना लेती हूँ, किसी दिन ये जो दाल का कॉम्बिनेशन है इसे भी खाती हूँ मैं, मतलब हफ्ते में 3 दिन मैं इसे खाती हूँ, बाकी दिन उसको खाती हूँ अरहर की दाल को। तो आपको क्या करना है, इन दोनों दाल को भिगो देना है, रात भर के लिए भिगो के छोड़ दीजिए आप, नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत आसानी से बन जाएगा, आपका ज़्यादा जो गैस है वो भी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको रात भर इसे भिगो देना है ताकि ये फूल जाए अच्छे से, फिर उसके बाद बहुत ही आसानी से दाल बन जाती है। और इस तरीके से जब आप दाल बनाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ओवरनाइट मैंने भिगो दिया है, देख के भी लग रहा है कि पूरा अच्छे तरीके से ये फूल चुका है। तो जो दाल है उसको साफ कर लेना है, जो पानी है उसे फेंक दीजिए और उसमें दोबारा दूसरा पानी भर के इसमें डाल दीजिए, मतलब आपको दाल जो भिगोए थे हम लोग उसको डालना है, उसमें पानी डालना है, उसी हिसाब से पानी डालिएगा जैसे आप नॉर्मली दाल में पानी डालते हैं, उसी हिसाब से डाल दीजिएगा पानी इसमें। अब इसमें आपको कुछ और खास नहीं करना है, जैसे नॉर्मली हम लोग इसमें हल्दी नमक डालते हैं तो हल्दी नमक डाल देना है, कुकर को बंद करके गैस पे रख देना है। लेकिन इस दाल को बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अरहर की दाल को अगर आप फ्राई नहीं करते अच्छे से तो भी वो अच्छी लगती है, लेकिन ये जो दाल है ना इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तो ही ये ज़्यादा टेस्टी लगेगी, अदरवाइज उतना टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इसको अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना हेल्दी चीज़ों को इसलिए नहीं खा पाते क्योंकि वो टेस्ट में अच्छी नहीं लग रही होती हैं, जबकि आप उन्हें सही तरीके से अगर बनाएंगे तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको गैस पे रख दिया है। देखिए जब नॉर्मल जो अरहर की दाल होती है वो सिर्फ 2 सीटी 3 सीटी आ जाती है तब भी वो अच्छे से कुक हो जाती है, हालांकि हमने इसे ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ है, फिर भी 3-4 सीटी आ जाए तब आपको चेक कर लेना है कि जो दाल है वो अच्छे से कुक हुई है कि नहीं हुई है। तो मैंने इसको चेक भी कर लिया है, दाल हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब क्या करना है आपको कि इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए गैस चलाइए, उस पर एक बर्तन रखिए। अगर आप घी में फ्राई करते हैं दाल तो ज़्यादा हेल्दी होती है, इसीलिए मैं इसको घी में ही फ्राई करती हूँ, 1-2 चम्मच के बराबर, गाय का भैंस का कोई भी घी आप ले लीजिए। अब इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर मसाले डालने हैं, आपको 2-3 ये जो रेड मिर्चा है वो ले लेना है, लौंग ले लेनी है, और ये जो हरी छोटी इलायची होती है वो ले लेनी है, और आप तेज़पत्ता ले लेना है, और ये जो हमारा दिख रहा है क्यूमिन सीड जिसको जीरा भी बोलते हैं ये है, इन सारी चीज़ों को हमें डाल देना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाता है तो घी के अंदर डाल देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है, तेज़पत्ता भी मैंने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा और अगर तीखा बनाना है तो इसमें और चिली डाल दीजिए, उसके बाद लहसुन डाल दीजिए इसमें अच्छे से बारीक बारीक काट के। अब इसमें आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना है, बारीक कटा हुआ अनियन, तो अनियन भी मैंने इसमें डाल दिया। जब ये अच्छे से कुक हो जाता है थोड़ी देर आपको क्या करना है, इसको चलाते रहना है और ढक के भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए थोड़ा सा। तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कुक हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें आपको डालना है ये है टोमेटो। टोमेटो भी आप इसमें एक अच्छे से काट के डाल दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें कुक होने देना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला भी मैं डालूंगी, इससे कम भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मसाला इसमें ज़रूर डालिएगा अगर आपको इसको टेस्टी बनाना है। तो मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया। अब अच्छे से इन सारी चीज़ों को कुक करना है, तो इसको ढक के आप छोड़ दीजिए बस थोड़ी देर के लिए। तो अभी ये अच्छे से कुक हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें जो दाल हमने पकाई थी ये दाल इसमें डाल देना है।
बहुत टेस्टी सी हमारी दाल बनके तैयार हो गई। ये दो दालों का कॉम्बिनेशन है, चना और उड़द, जो कि आम तौर पे हम लोग नहीं खाते। बहुत सारे लोग खाते भी हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ अरहर की दाल ही डेली खाते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली दालों को चेंज कर करके खाएंगे ना तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे। अरहर और चने में प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे बालों को मजबूत, लंबा, घना बना के रखता है। थोड़ा सा चावल लीजिए और थोड़ा सा, ये आपका बहुत अच्छा खासा लंच हो गया बिना तामझाम के। अब मैं आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक बोल दीजिए शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। इसके लिए ओवरनाइट आपको सोक करना है आलमंड। मैंने हैंडफुल ऑफ आलमंड लिया है, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बना रही हूँ ये 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी भी मैंने रखी हुई है। आलमंड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं इसके अंदर, और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, आपको ऑलरेडी पता होगा। आलमंड के अंदर बहुत सारा प्रोटीन, बायोटिन, आयरन, ये बेसिक चीज़ है जो आपके बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। और इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ सबके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाती हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा खजूर डाला है। खजूर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और आयरन, प्रोटीन, बहुत सारा कैल्शियम होता है, कॉपर होता है, जो हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाता है। अब आपको इन दोनों चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है। इसमें एक चीज़ और डालना है जो कि टोटली ऑप्शनल है, ये है कोकोआ पाउडर, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। बेसिकली ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे यूज़ करें, अदरवाइज स्किप कर दीजिए इसे। अब इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छी सी स्मूदी हमें बना लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो स्मूदी है वो मैंने बना ली है। अब कुछ और चीज़ें हैं जो इसमें ऐड होनी है, तो सबसे पहले इसको एक बड़े बर्तन में आप निकाल दीजिए ग्राइंडर से। अब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको भिगो के रखना है 4-5 घंटे पहले। तो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जिसे भिगो के 4-5 घंटे आपको रखना है, वो है ओट। ओट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप ओट फ्लेक का यूज़ करते हैं ना, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसके अंदर बहुत सारा फाइबर भी होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं, बायोटिन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो आपको क्या करना है, इसे भिगोना है, भिगोना 4-5 घंटे सफिशियंट हैं, और ओवरनाइट भिगो सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसका जो पानी है उसे बिल्कुल भी फेंक देना है, इसके पानी के अंदर बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं और ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, इसीलिए हम लोग इसे भिगोते हैं खाने से पहले। अब एक और चीज़ है जिसे आपको रात भर पहले भिगोना है, और ये है रेजिन यानी किशमिश। तो आपको एक मुट्ठी रेजिन ले लेना है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि 3 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा है, 1 लोगों के लिए बना रहे हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी कम रखिएगा। अब ये रेजिन है, रेजिन को भी मैंने रात भर भिगोया है, और 4-5 घंटे पहले मैंने ये चिया सीड भी भिगोया था। चिया सीड और ओट को रात भर भिगोने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो रात भर भिगो सकते हैं। मतलब अगर आप एक ही टाइम अपना काम ख़त्म करना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को एक साथ रात भर भिगो दीजिए। देखिए, चिया सीड भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसे तो सुपर फूड बोलते हैं, मतलब कि इसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। चिया सीड और किशमिश का जो पानी है उसे हमें नहीं फेंकना है, एज इट इज़ रहने देना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे इस्तेमाल करें, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। ये है मैंगो या बनाना, दोनों में से कोई एक ले लेना है, लेकिन अच्छे से पका हुआ लेना है। अब देखिए, मैंने मैंगो लिया है, मैंगो का सीजन है तो मैंने मैंगो लिया है। मैंगो को आपको क्या करना है, पीसेज में कट कर लेना है, और इसको हम लोग अपने जो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं उसमें यूज़ करेंगे, जो ब्रेकफास्ट के लिए रेसिपी बना रहे हैं उसमें यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए, जो हमने ग्राइंड किया हुआ था स्मूदी, उसको मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था, बड़े कटोरे में निकाल लिया था। अब इसमें 4-5 घंटे पहले भीगा हुआ ओट डाल देना है। अब जो और भी चीज़ें हमने भिगोई थी सबको एक एक करके इसमें डाल देना है। तो ओट का जो पानी है वो तो फेंक देना है, लेकिन जो किशमिश का पानी है और चिया सीड का पानी है उसे थ्रो नहीं करना है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को पानी के साथ ही इसमें डाल देना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने रेजिन डाल दिया है, और ये जो चिया सीड है इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जैसे मैंने दिखाया कि इसमें आप कोई फ्रूट भी डाल सकते हैं, तो अगर आप कोई फ्रूट डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंगो और बनाना में से कोई एक डालना था, तो मैं यहाँ पे अच्छे से पका हुआ मीठा मीठा मैंगो डाल रही हूँ। मैंगो बहुत टेस्टी होता है, और ये जो हमारी रेसिपी बन रही है इसके साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट डालने वाला है, और वो सारे न्यूट्रिएंट आपके बालों के फॉर्मेशन में लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप खाते हैं तो आपके बाल मजबूत, लंबे, घने होते हैं, बालों का झड़ना भी रुक जाता है। अगर आप चाहें तो इसे डेली ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर सकते हैं। ईजी है बनाना, बहुत टेस्टी भी है।